चलो सर्वेक्षण बनाने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गणित विषय में पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति, जो कि हमारी कक्षा 9वीं का प्रथम अध्याय पहला अध्याय है। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें सीखा था, जिसमें हम लोग सीखा था पूर्णांकों का गुणा जोड़ घटाओ। क्या क्या चीजें सीखा था हम लोग ने? पूर्णांकों का गुणा जोड़ घटाओ। और पूर्णांकों का गुणा जोड़ घटाओ सीखने से पहले हम लोगों ने दो मूल मंत्र याद किया था। कौन से दो मूल मंत्र था? चलो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ। पहला मूल मंत्र कि अगर समान चिन्ह वाले होते हैं जिनको जोड़ घटाओ किया जाता है, समान चिन्ह वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले उसको हम लोग जोड़ देते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर समान चिन्ह वालों का जोड़ या घटाव करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर जोड़ने के बाद क्या करते हैं, चलो मैं अभी बताऊंगा, उसके पहले क्या बताता हूँ, दूसरा मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र क्या था? पहला मूल मंत्र तो यह हो गया, अगर सेम साइन के, चलो इंग्लिश में मिली देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, इंग्लिश में मिली देता हूँ, कि अगर सेम साइन वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। सेम साइन वाला होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो। और दूसरा मूल मंत्र क्या होता है? दूसरा मूल मंत्र होता है कि अगर अलग साइन वाले, अलग चिन्ह वाले, मतलब डिफरेंट साइन वाले, कौन वाले, डिफरेंट साइन वाले, चलो मैं यहां लिख देता हूँ, डिफरेंट साइन वाले होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बताएंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बताओ सर बच्चे, इसके बाद हमें क्या करना होता है? बहुत ही सरल बात है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो बड़ा पूर्णांक हो, दोनों में जो भी बिगर इंटीजर हो, बड़ा पूर्णांक हो, बड़ा लिख देते, चलो यहाँ पे बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। किसमें? दोनों में, आपका जोड़ हो या घटाव हो, जोड़ हो या घटाव, आपको क्या करना होता है, आपको बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है। तो यही मेरा दो मूल मंत्र है, ये दोनों मूल मंत्र मैंने आपको रटवा दिया, मैंने आपको याद करा दिया है कि अगर समान चिन्ह हो जोड़ देंगे, अलग चिन्ह हो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, समान चिन्ह है जोड़ देंगे, अलग चिन्ह होगा घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। ये बात सर बच्चों समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो वाइट अप कर दीजिए, आगे ना समझ में वाइट अप कर दीजिए। चलो अब रही बात कि ये काम हम तब करते हैं जब हम कोष्टक हटा देते हैं, जब हम ब्रेकेट हटा देते हैं। ब्रेकेट हटाने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये दिखता है, जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार का हो, माइनस ऑफ माइनस 10, तब ध्यान दोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कोष्टक है, यहाँ पे क्या है, आपको कोष्टक है, ब्रैकेट है, क्या है, कोष्टक है, ब्रैकेट है। तो सबसे पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम, आपको कोष्टक और ब्रैकेट सबसे पहले हटानी है, फिर आपको मूल मंत्र याद करनी है। सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है किसको, कोष्टक और ब्रैकेट को। तब बताओ इस कोष्टक और ब्रैकेट को कैसे रिमूव करेंगे, बताओ। माइनस माइनस कितना होगा, जल्दी बताएं बच्चे, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस 10, है ना। तो ये पहले आपको क्या करना है, कोष्टक को हटाना है। प्लस हाँ ठीक है, आगे समझिए, माइक ऑन कीजिए, गौरव गौरव नाम से जो बच्चा जान के, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात बता रहा हूँ, मैंने आपको दो बार बता दिया, इसके बाद कोई बच्चा माइक ऑन करेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, जो भी लिखना है, जो भी बोलना है, चैट बॉक्स में बोलो, चैट बॉक्स में जाकर बोलो। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। माइक इसलिए ऑन नहीं करना है कि बाबू क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, इस बात पर ध्यान दो। चलो आइए समझ में आ तक, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो ये देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन। तो जल्दी से पहले इसका उत्तर कॉपी में करो, फिर मैं पोल सेक्शन लंच करूंगा, तब पोल सेक्शन उत्तर करना। चलो सबसे पहले जल्दी से इसका उत्तर आप क्या करो, कॉपी में करो, पहले कॉपी में बनाएंगे फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। चलो सारे बच्चे पहले कॉपी में करेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉपी में करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले कॉपी में उत्तर कीजिए, फिर इसका उत्तर कहाँ दीजिए, पोल सेक्शन। चलो इसमें क्या करते, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो क्या लिखा है, देखो ध्यान दो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, कहीं सबके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, सबके क्या क्या चीज का चिन्ह लगा है, माइनस का, इस बात ध्यान नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्या है, -561 माइनस ऑफ -29, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, कोष्टक हटाना होता है, तो मतलब इसका कुछ नहीं तो क्या है, प्लस क्या है, तो प्लस माइनस, माइनस 561 माइनस माइनस प्लस 29, है ना। अब देखो
अब मिल गया, बताओ ये कौन सा मूल मंत्र लगने वाला है, इसमें कौन सा मूल मंत्र लगने वाला है, तो अलग चिन्ह वाला है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो अलग चिन्ह लगने वाला है, अलग चिन्ह वाला मूल मंत्र लगने वाला है ना। चलो जल्दी करेंगे, 31 बच्चों में से 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, चलो 15 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, अभी बहुत बच्चे ज्वाइन, चलो मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता। देखो आप क्लास तब भी ज्वाइन करो, मान लो कि आप क्लास 8 बजे ज्वाइन करते हो या क्लास 7:55 ज्वाइन करते हो, कभी भी क्लास ज्वाइन करो, जब तक मैं ना बोलू क्लास छोड़कर जाने के लिए, तब तक किसी बच्चा को क्लास छोड़कर नहीं जानी है। अगर आप क्लास छोड़कर बीच से जाते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे ली जाती है, इस बात को ध्यान देंगे सर बच्चे, जब तक मैं ना बोलू कि क्लास छोड़कर जानी है, तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है। चलो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस हर एक 5-5 मिनट पे लगती है, लास्ट एक मिनट जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया, जल्दी करेंगे, इसका उत्तर कहाँ पे, पोल सेक्शन में, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। जल्दी करेंगे सर बच्चे उत्तर, कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। चलो 34 बच्चों में से 24 बच्चों ने, 25 बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया, सर मेरा गलत हो गया, ठीक है, कैसे गलत हो गया आपका, सर वो दबाना था, वो फोन में पानी गिर गया, अच्छा ठीक है कोशिश कर, देखो ठीक है आप माइक ऑफ कर लो आपका, हाँ देखो मैं बताता हूँ इस प्रकार के प्रश्न, मतलब इस प्रकार जब भी समस्या है तो क्या करना, ध्यान दो, देखो जो भी आप प्रश्न करो ना, पहले आप उसको कॉपी में बना लो, कॉपी में ही उसका ऑप्शन लिख लो, क्या करो कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो, ताकि जब आप पोल सेक्शन उत्तर देने जाना तो आपको ऑप्शन पता रहे कि कौन सा ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है, आगे समझ में, तो आगे से आप ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलो 35 बच्चों में से 26 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया, चलो 37 कुमार नाम से जो जुड़ बच्चा जानते हैं, बाबा माइक ऑफ कर लीजिए, लास्ट 30 सेकेंड 27 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 10 सेकेंड लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को उत्तर कहाँ रख दिए, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1 देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, कौन सा मूल मंत्र हमें याद रखना है, तो दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह, कौन कैसा चिन्ह है, अलग चिन्ह, कैसे पता चला, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, अलग चिन्ह है तो अलग चिन्ह, जहां भी अलग चिन्ह होगा हमें क्या करना होता है, हमें घटानी होती है, चलो घटा दो, यानी 561 में से किसको घटाएंगे, 29 को घटाएंगे, चलो घटाओ, तो 11 में से 9 गया 2, 5 में से 3 2 गया 3, 532 कितना हुआ, 532 कितना हुआ, 532। अब रही बात की 532 क्या है, कौन सा चिन्ह होता है, तो हमने सीखा है जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, इनमें से कौन सा बड़ा पूर्णांक का है, बड़ा पूर्णांक इनमें से कौन है, चलो यहाँ लिखिए बड़ा पूर्णांक का चिन्ह, कौन सा करना पड़ता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह, तो बताओ यहाँ बड़ा पूर्णांक कौन है, 561, और 561 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या उत्तर हो जाएगा, -532, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, समझ में आया सर बच्चे को, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप स्क्रेच का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल आइटम कर दो, यहाँ तक समझ में आ गया ना, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकाल लेंगे जो न्यू कार्यक्रम में मैंने आपको दिया था, चलो अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, अब होमवर्क हम लोग एक अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, किस प्रकार डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तब कुछ भी टाइप मत कीजिएगा, रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन में टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करते, ठीक है। चलो प्रश्नवाली 8.1
8.1 क्वेश्चन नंबर 1 सर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डाउट है तो आप क्या करो चैट बॉक्स में, अगर आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं बताऊंगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, चलो देख लेते हैं। देखो -12 + -4 है ना, आप देखो ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस -12 और प्लस माइनस -4 बता, दोनों समान चिन्ह क्या करते हैं जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दो, 12 + 4 कितना हो गया 16, यहाँ हो गया 16। अब किसका चिन्ह होगा, जो भी बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक क्या है 12, 12 का कौन सा चिन्ह है माइनस का, कौन सा चिन्ह हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब -16। हाँ बहुत आसान था, बहुत आसान था है ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली आठ दशमलव दो प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 2। चलो मैं प्रश्न संख्या 2 बताता हूँ ठीक है, चलो मैं एक बार 2 बताता हूँ ठीक है। चलो हाँ एक दो पहले दो बना देंगे तो आपको एक भी समझ में आ जाएगा। चलो 2 बताता हूँ, ध्यान दो, -17 + 33 + 17 + -110। अब बताओ सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें कोष्टक हटानी होती है, सबसे पहला काम क्या करना होता है कोष्टक हटानी होती है। बताओ इसका कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस माइनस -17, सबसे पहले हमें कोष्टक मतलब ब्रैकेट हटानी है ना। चलो अब देखो 33 का है कुछ नहीं, तो क्या है प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 33 ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं ये क्वेश्चन सरल है तो इसका उत्तर बता देंगे चैट बॉक्स में ठीक है। चलो बाकी बच्चे ध्यान देंगे, प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 17, फिर क्या होगा प्लस माइनस -110 है ना। चलो अब हमें पता चल गया, हमें कोष्टक तो देखना, हम लोगों ने देख लिया ये कोष्टक हट गया, अब हम क्या करेंगे चलो ध्यान से देखेंगे। अब हमें दो दो का पेयर लगाएंगे, देखो पहले इन दोनों का देखते हैं। अब बताओ देखो अलग चिन्ह हमें पता है, अलग चिन्ह, और अलग चिन्ह होता है तो क्या करना पड़ता है, अलग चिन्ह होता है तो घटानी पड़ती है। चलो इसको घटाते हैं, गलत उत्तर ठीक है। चलो घटानी होती है तो देखो घटाते हैं, पहले इसको 33 में से 17 को घटा दो कितना मिलेगा 16 मिलेगा, कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो आप बताओ सारे बच्चे कि 16 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 16 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, नहीं हाँ बड़ा पूर्णांक, देखो 33, 33 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, 33 का कौन सा चिन्ह होगा प्लस का, जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो है ना। चलो अब ऊपर को उतार दो, ऊपर क्या है प्लस 17 और -110 है ना। चलो अब क्या करना है, अब फिर हमें 2 का पेयर लगाएंगे, फिर हम इन दोनों को देखेंगे। चलो ये दोनों कैसे हैं, समान चिन्ह वाले हैं, और समान चिन्ह में हमें क्या करना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे, समान चिन्ह में हमें क्या करना होता है, समान चिन्ह में हमें जोड़ना होता है, क्या करना होता है जोड़ना होता है। तो चलो जोड़ते हैं, एक 16 एक 17, चलो जोड़ते 16 17 क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 33, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 33। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इस 33 के आगे हमें कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, इस 33 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस का चिन्ह रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि 17 के सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, बिगर इंटीजर कौन है 17 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस रहेगा ठीक है। चलो माइनस हो गया 110 है ना। अब देखो क्या करना है हमें, ये 2 हमारे पास संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का हमें घटाओ निकालना है, जोड़ निकालना, बताओ क्या करेंगे, अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह में हमें क्या करना होता है, अलग चिन्ह में हमें घटानी होती है। चलो घटा दो, क्या है 110 और 33, जब घटाएंगे हमें कितना मिलेगा 77 प्राप्त होगा। अब बताओ सारे बच्चे की 77 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 77 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, माइनस का, क्यों, क्योंकि हमने याद किया है जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसी का चिन्ह
लगाते हैं यानी 77 का है, कौन सा चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 77। आई समझ में? चलो तो जो बच्चे बोले थे सब बहुत इजी क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन आंसर गलत था। ठीक है, ध्यान दो, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर उत्तर करना है। जल्दीबाजी में उत्तर हमेशा गलत होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल्दीबाजी में हमेशा गलत होता है। तो जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, हमें आराम से कोशिश करना है, थोड़ा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करना है ना। चलो जल्दी से सारे 25 प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 उसमें डबल वाइटर करेंगे, और ये प्रश्न सारे बच्चों के कॉपी में भी होना चाहिए। ये प्रश्न जो है ना सारे बच्चों के कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना सारे बच्चों के कॉपी में भी होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे समझ में। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग। आज की कक्षा में क्या पढ़ने वाले हम लोग? भाग, डिवीजन पढ़ने वाले हैं। और डिवीजन पढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वो प्रश्न है कि अगर सारे बच्चों को गुना मल्टीप्लीकेशन आता है, पूर्णांक का गुना इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन आता है, तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को आता है तो, अगर सारे बच्चों को मल्टीप्लीकेशन आता है तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आता है ना सारे बच्चों को? अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा बहुत रिविजन कराता हूँ। ध्यान दो क्या होता है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव का गुना होता है तो वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव, हमें क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर निगेटिव निगेटिव का गुना होता है तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है। और यहाँ पे हमने ये सीखा था कि समान चिन्ह सेम साइन, समान चिन्ह वालों का गुना होता है तो हमें हमेशा प्लस का चिन्ह मिलता है। जतिन कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, अगर आगे से इतना बार वाई टाइप करोगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं एक बार वाई टाइप करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, एक से ज्यादा बार वाई टाइप करने वालों को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात है, क्यों? क्योंकि देखो जब स्क्रीन शॉट लेते हैं ना, तो बच्चे सब जब स्क्रीन शॉट लेते हैं तब ज्यादा बार वाई टाइप करोगे ना तो उनके स्क्रीन शॉट में आता है, तो आसानी से स्क्रीन शॉट नहीं ले पाते हैं, तो कोशिश करो इतने बार वाई नहीं टाइप करना आपको। ठीक है, चलो अब रही बात कि अगर ये हो गया समान चिन्ह, अगर हमें असमान चिन्ह का गुना करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस से गुना करेंगे क्या मिलेगा माइनस, या माइनस प्लस से गुना करेंगे क्या मिलेगा हमें माइनस का मिलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या सीखना मिला कि अगर अलग चिन्ह का गुना होता था तो हमें क्या मिलता था, अलग चिन्ह का गुना होता था तो हमें हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलता था। तो ये मैंने आपको गुना में सिखाया था, ये सारे बच्चों को आती है, ये सारे बच्चों को आती है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। अगर ये सारे बच्चों को आती है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आती है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीजें आती है तो आपको भाग पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको भाग पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो रूल जो नियम जो होता है गुना के लिए लगाते हैं, वही नियम हम किसके लिए लगाते हैं, भाग के लिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जो नियम हम लोग गुना के लिए लगाते हैं वही नियम हम किसके लिए लगाते हैं, भाग के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो जिस प्रकार हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का गुणन, उसी प्रकार आप सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। विभाजन मतलब होता है भाग, इस बात पर ध्यान देंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। विभाजन का मतलब हुआ भाग, है ना? तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का भाग। क्या पढ़ेंगे? उसी प्रकार दो धनात्मक पूर्णांकों का भाग। चलो एक एक करके बताएंगे, धनात्मक मतलब एक धनात्मक ये गया, इस धनात्मक का भाग हमें करना है दूसरे धनात्मक के साथ। बताओ हमें क्या प्राप्त होगा, बताओ सर बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, धनात्मक। क्यों? देखो हमने याद किया है कि अगर हम धनात्मक का गुना धनात्मक के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। तो कोई अंतर नहीं होता है, जो गुना में होता है वही भाग में, तो हमें धनात्मक ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें पता है, बताओ सर बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे कि ऋणात्मक का भागा ऋणात्मक के साथ निगेटिव का भागा निगेटिव के साथ होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, निगेटिव का भागा निगेटिव के साथ होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, निगेटिव नहीं पॉजिटिव प्राप्त होगा। सेम जिस प्रकार हम लोग मल्टीप्लीकेशन में सीखा था कि समान चिन्ह वाला का गुना होता है तो हमें हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है, तो वही रूल यहाँ पे भी लगने वाला है। भले आपका चिन्ह चेंज हो जाए, भाग हो जाए, कोई अंतर नहीं है, जो नियम गुना में लगता था वही नियम भाग में लगने वाला है। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी यहाँ पे मैंने सिखाया था कि जो समान चिन्ह वाले होते हैं उन्हें हमेशा क्या मिलता है, उन्हें हमेशा
पॉजिटिव मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है, उन्हें हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है, पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है, ठीक है। चलो और दूसरा मैंने क्या सिखाया, चलो बताओ सर बच्चे, कि अगर हम धनात्मक का भागा ऋणात्मक मतलब अलग चिन्ह वाले से करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, अगर हम धनात्मक का भागा ऋणात्मक के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि अलग चिन्ह वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि अगर धनात्मक का गुना पॉजिटिव का गुना निगेटिव के साथ होता है तो निगेटिव मिलता है, यानी यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो अलग चिन्ह वाले हैं वो हमेशा निगेटिव देते हैं, जो अलग चिन्ह वाले वो हमेशा क्या देते हैं, निगेटिव चिन्ह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका सम्मान चिन्ह, ये हो गया आपका सम्मान चिन्ह, ठीक है, ये हो गया आपका सम्मान चिन्ह और ये हो गया आपका अलग चिन्ह, है ना, अलग चिन्ह वाला हमेशा क्या देंगे माइनस, और सम्मान चिन्ह वाला हमेशा क्या देंगे प्लस का चिन्ह देंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे, आइए समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, और इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न है कि 12 भागे अगर 4 लिखा हुआ है तो हम इसे किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 भागे 4 लिखा है हम इसे किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पहला तरीका किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12/4, क्या लिख सकते हैं इसको 12/4, और दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, तीसरा तरीका कि 12 को किससे भाग देना है 4 से भाग देना है, ये हो गया तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या लिख सकते हैं 12/4, दूसरा तरीका क्या है 12/4, और तीसरा तरीका क्या है 12 में 4 से भाग देना है। पहला तरीका 12/4, दूसरा 12/4, और तीसरा 12 में किससे भाग देना है 4 से, समझ में आ गया सर बच्चे को। चलो अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आप बट्टा का उपयोग करके पूर्णांकों का विभाजन पूर्णांकों का भाग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है कैसे। चलो प्रश्न संख्या एक में देखते हैं, चलो प्रश्न संख्या एक में देखते हैं, बताओ सर बच्चे 10 को जब माइनस 10 को भाग करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर सही करेंगे, प्लस नहीं करना हमें ना ही गुना, हमें भाग करना है, हमें क्या करना है भाग करना है। चलो देखो ध्यान दो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है 10, इसको हम कैसे लिखते हैं बट्टा के रूप में लिख सकते हैं 5, अब बताओ 10 क्या है कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है प्लस का, 5 क्या है कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है प्लस का, अब बताओ कि प्लस का भागा प्लस के साथ धनात्मक का भागा धनात्मक के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें धनात्मक मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, है ना, यानी हम धनात्मक का भागा धनात्मक के साथ क्या मिला आपको, हमें पॉजिटिव मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। अब रही बात कि 10 का भाग कर देते हैं हम लोग 5 के साथ, चलो भाग दे दो 10 में 5 से भाग दे दो, क्या होगा 5 × 10 कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा +2 + 2, हमें कितना मिलेगा +2, आगे समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, ध्यान दो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -10/-5, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बहुत बढ़िया बताओ, क्यों, क्योंकि हमें पता है माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे समान चिन्ह तो हमें हमेशा प्लस प्राप्त होगा, यानी माइनस का भागा माइनस क्या होगा प्लस हो गया, अब 5 का भागा करो तो 5 × 10 हो गया, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, चलो बहुत बढ़िया बताओ, चलो ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा के रूप में लिखते हैं तो ये लिखा आएगा -10/5, अब बताओ 5 नीचे कुछ नहीं लिखा है, 5 नीचे कुछ नहीं लिखा है प्लस है, 5 के पास कुछ नहीं लिखा है प्लस है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है माइनस का भागा करना है प्लस के साथ, तो माइनस का भागा प्लस का तो क्या मिलता है हमें माइनस मिलता है, माइनस का भागा प्लस करते हैं क्या मिलता है हमें माइनस मिलता है, तो आप बताओ जब माइनस का भागा प्लस का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस मिलेगा, है ना। अब देखो 10 में 5 भाग देंगे क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, है ना, समझ जाएंगे यहाँ तक। चलो ठीक उसी प्रकार 10/-5 क्या मिलेगा 10/-5, और 10 क्या है कुछ नहीं तो क्या है प्लस का चिन्ह है, 10 का है कुछ नहीं तो क्या है प्लस का चिन्ह, अब हमें पता है कि प्लस का भागा अगर हम लोग माइनस के साथ करें क्या मिलेगा अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह वालों का भागा करते हैं क्या मिलता है
माइनस मिलता है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, और 10 में 5 से भाग दे तो कितना मिलेगा -2। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। चलो जल्दी से स्पेस का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टैप कर देंगे। और आपको यहां तक समझ में आ गया जैसे आप स्पेस का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो, आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, चलो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या प्रश्न है, प्रश्न है 38 भागे -19। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे सभी चैट बॉक्स में। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बताओ ध्यान तो कैसे करेंगे। देखो पहले हो गया ऊपर 38, नीचे क्या हो गया -19। अब बताओ 38 का है कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और हमें पता है कि प्लस का भागा अगर आप माइनस के साथ करते हो अलग चिन्ह, तो क्या मिलता है, हमेशा माइनस मिलता है। यहाँ हो गया माइनस। अब रही बात की 38 का भागा 19 के साथ करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा, क्या मिल गया हमारे पास -2। बहुत बढ़िया मतलब सारे बच्चों को सही है, ठीक है। चलो अब ठीक है, बताओ सर बच्चे प्रश्न संख्या 2 उदाहरण नंबर 2 इसका उत्तर बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, ध्यान दो क्या है, -27 भागे -9 है ना। यानी देखो माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमेशा प्लस मिलेगा। समान चिन्ह वाला का भागा करते हैं तो धनात्मक का चिन्ह मिलता है, क्या मिल गया प्लस। अब क्या करो 27 में भाग दे दो किससे, 9 से, 9 3 27 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा है ना, कितना आएगा 3 आ जाएगा, आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया प्लस 3 को आप सिंपल 3 भी लिख सकते हो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो, अगर समझ में। चलो एक और एक उदाहरण कर लेते हैं जो कि बहुत ही सरल उदाहरण है। उदाहरण पर उदाहरण लिखा है, उदाहरण लिखा है कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक हिंट देता हूँ, ध्यान दो क्या हिंट देता हूँ कि हमें पता है कि 1,000 मीटर, हमें पता है कि 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है। तो आप बताओ कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, एक बार ही उत्तर करना है सारे बच्चों को, एक बार ही उत्तर करना है। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब कि हमें देखो 1,000 में 1 किलोमीटर, तो 20,000 में हमें देखना है कि कितना किलोमीटर है ना। एक एक नियम लगाना बहुत ही सरल, क्या करना है हमें सिंपली 20,000 में भाग कर देना है किससे, 1,000 से। 20,000 में भाग कर देना है हमें 1,000 से। अब आपके पास दो तरीका है, पहला आप 3 जीरो से 3 जीरो कटा लो, 3 जीरो से 3 जीरो कटा लो, क्या मिल जाएगा 20 किलोमीटर। और दूसरा तरीका क्या था, आप सिंपली ऐसे भाग भी कर सकते थे, 20,000 में ऐसे भाग कर देते आप किससे, 1,000 से। ऐसे आप 1,000 से भाग भी कर सकते थे, क्या मिलता 1,000 दूनी 2,000, यहाँ से 2,000 कट गया, रही बात यहाँ जीरो की तो 1,000 जीरो 1,000 है ना। चलो कितना मिला हमें 20 किलोमीटर, कितना मिला हमें 20 किलोमीटर, यानी 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा। और आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो मैंने क्या चीज सिखाया, दो नोट करने वाले पॉइंट कि सेम साइन समान चिन्ह, मैं लिख देता हूं यहां पे, चलो समान चिन्ह या सेम साइन, एक जैसे चिन्ह हो तो उसका अगर हम गुणा करें या भाग करें, डिवीजन करें या मल्टीप्लीकेशन करें, वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन, धनात्मक का चिन्ह प्राप्त करेंगे, ठीक है। बट हमें अगर अलग चिन्ह का गुणा करना हो, अलग चिन्ह का गुणा, अलग चिन्ह का डिफरेंट डिफरेंट साइन का गुणा करना हो या भाग करना हो, वी विल गेट ऑलवेज निगेटिव साइन, हमें हमेशा कैसे साइन प्राप्त होगा, निगेटिव का साइन प्राप्त होगा। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो, समझ में आ गया ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर,
पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो लास्ट 1 मिनट, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, चलो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ, ध्यान ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या है, -81 - 9, हम इसको बटा के रूप में लिख देते हैं। चलो बटा के रूप में लिख दे, देखो क्या हो जाएगा, -81 - 9। अब आप सब सॉल्व कर पाओगे। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, उत्तर कहाँ करेंगे सर बच्चे, उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो 28 बच्चों में से मात्र 14 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। चलो जल्दी करेंगे, 28 बच्चों में से 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो लास्ट 30 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को पोल से उत्तर करना अनिवार्य। अगर आप पोल से उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। चलो जल्दी करेंगे, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें पता है सम्मान चिन्ह का गुना करे या भाग करे हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया, चलो 29 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों ने उत्तर किया है। चलो बाकी के दो तीन बच्चे बच गए हैं, जल्दी से उत्तर कर देंगे पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे, 21 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों को उत्तर करना है, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। और जब तक मैं ना बोलू तब तक क्लास छोड़कर नहीं जाना है, इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि आपकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे लगती है, इस बात पर ध्यान दे आप। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो कितना सरल प्रश्न है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, माइनस का भागा, अगर माइनस के साथ होगा तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा, माइनस का भागा अगर माइनस के साथ मिलेगा तो होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो यहाँ हो गया प्लस। अब रही बात की 81 में हम अगर 9 से भाग दे क्या मिलेगा, 9 81 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी प्लस 9 लिखो या 9 लिखो बात बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। और कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है, -9। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि देखो समान चिन्ह का भाग करते हैं ना तो हमेशा हमें पॉजिटिव का साइन मिलता है, प्लस का साइन मिलता है, जोर का साइन मिलता है। ठीक है, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। समझ जाएगा ना, चलो अगर आपको ये समझ जाएगा कि समान चिन्ह का अगर भाग करते हैं तो जोर मिलता है, उसी प्रकार अलग चिन्ह का भाग करेंगे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर सही होगा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। चलो आराम से सरलता पूर्वक सवाल कीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो क्या लिखा है, -65 / 13, हाँ तो इसको एक बट्टा के रूप में लिख देते हैं। चलो लिखते हैं बट्टा के रूप में, ये जगह -65 / 13। अब 13 का है कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। चलो अब हमें पता है कि प्लस माइनस भागे प्लस का अगर हम करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, सभी बच्चों को पता है। चलो बनाएंगे सर बच्चे, फिर मैं बताता हूं उनको। चलो लास्ट 1 मिनट, 30 बच्चों में से 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में। बाकी के जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखो मैं आपको तरीका बता दूं, देखो
आपको लग रहा होगा सर मैं क्वेश्चन का उत्तर तो करता हूँ, कभी सही करता हूँ कभी गलत करता हूँ। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ ताकि आप हमेशा सही करोगे। कौन सा तरीका है? कोई भी क्वेश्चन होता है ना, पहले आप उसको कॉपी में बनाओ, पहले कॉपी में बनाओ, कॉपी में दो तीन बार बनाओ इसलिए बनाओ ताकि आप, हो सकता है पहले बार जल्दीबाजी में गलत कर दिया होगा, लेकिन जब दो तीन बार बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ मैंने सही किया है। फिर जाकर वो ऑप्शन करो कहाँ पे, पोल सेक्शन में, और ऑप्शन को पहले कॉपी में लिख लिया करो ताकि क्वेश्चन जब भी उत्तर करने जाओ तो उत्तर सही करो, है ना, ध्यान दो। चलो, अलग चिन्ह का जब भी भाग करते हैं तो हमें निगेटिव का चिन्ह मिलता है, ये बात ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे। चलो, 29 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया हुआ है, बाकी बच्चे भी नहीं किए इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में, जल्दी करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड 20 सेकेंड। चलो 20 बच्चों ने किया तो 20 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे। 28 बच्चों में से 20 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, मतलब कि 20 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलो 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 22 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 5 सेकेंड। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो प्लस माइनस का भागा करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, अलग चिन्ह का जब भी भाग करेंगे हमें हमेशा माइनस का चिन्ह मिलेगा, ऋणात्मक का चिन्ह मिलेगा। यानी सबसे पहला चिन्ह हमें क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस, है ना, माइनस मिल गया। ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए तो ऐसे गलत क्योंकि ऑप्शन ए जो है प्लस वाला था। अब आते हैं बी सी डी में से कौन सा ही है। अब देखो 65 में भाग दे दो आप 13 से, और हमें 13 का पहला याद है, 13 × 5 कितना होता है 65 होता है, तो यहाँ क्या हो गया -5। यानी कौन ऑप्शन गलत हो गया, बी और डी गलत हो गया, कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। तो सारे बच्चे, बहुत बच्चे जो है ना ये चिन्ह की वजह से गलत करते हैं, तो चिन्ह याद करो आप, अलग चिन्ह माइनस होगा समान चिन्ह प्लस होगा, है ना। चलो अगर आपको ये याद हो गया, चलो अगला प्रश्न किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, अगला प्रश्न जो है ना किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों का सही होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों का सही होना चाहिए। चलो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लो, क्योंकि आपको थोड़ा हो सकता है कि भाग देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन इसका उत्तर आप सही करना। चलो कॉपी बना, सारे बच्चे कॉपी बनाएंगे, चलो जल्दी बनाएंगे सारे बच्चे कॉपी में, आराम से थोड़ा टाइम लो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो, कोई इशू नहीं है, टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो, भाग सही देना आपको, भाग सही देना। चलो मैं इसको थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ, चलो इसमें मैं थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो 1080 भागे -12, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे 1080 कि आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस का चिन्ह है, बट्टा 12, 12 का कुछ नहीं है तो क्या है माइनस का चिन्ह है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 28 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया। देखो पहला मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको पहले कॉपी में उत्तर करना है। देखो प्लस माइनस, चलो आपको सबसे पहला चीज ये दिखना है इसका चिन्ह, चिन्ह क्या है, देखो प्लस का चिन्ह है और दूसरा क्या है माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का भागा होता है तो क्या मिलता है, ये आपको देखना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। अलग चिन्ह का जब भी भागा होता है तो हमें निगेटिव का चिन्ह मिलता है, ये बात ध्यान में रखना है सारे बच्चों को। चलो 28 बच्चों में से 19 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बाकी के बच्चे अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए हैं, जल्दी से उत्तर करेंगे। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा भाग देने में टाइम लग रहा होगा, कोई नहीं टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, है ना। चलो लास्ट
40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 30 बच्चों में से 22 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है ना, बहुत ही जरूरी है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो ना तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पर ध्यान देना आप लोग सभी, ठीक है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। हमारी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम इस प्रश्न को। देखो ध्यान दो, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि अगर प्लस माइनस का भागा करते हैं तो हमें हमेशा माइनस प्राप्त होता है। यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या प्राप्त हुआ, हमें माइनस प्राप्त हो गया। अब रही बात कि 1080 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। देखो 12 नवा होता है 108, 12 नवा कितना होता है 108, कट गया, फिर होता है 0, 12 0 0 कितना हो गया 90, यानी यहाँ क्या हो गया माइनस 90, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्लू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्लू आई टाइप कर दो। समझ में आ गया तक, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था ना। चलो एक आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, मेरी आवाज से मतलब नहीं, आपको क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर करना है, ठीक है। चलो क्या बोला गया, बोला गया है कि 1200 मिनट, पहले देखते हैं क्या लिखा गया, पहले बोला गया है 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। देखो हमें पता है कि 60 मिनट में एक घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा, कितना सरल प्रश्न है कि 1200 मिनट में कितना घंटा होगा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, चलो जल्दी करेंगे, हमें बताना है कि 1200 मिनट में कितना घंटा होगा। और इस प्रश्न का उत्तर अब कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो 26 बच्चों में से 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे करेंगे। 13 बच्चों ने कर दिया, 27 बच्चों में से 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है, 16-17 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत ही सरल प्रश्न, जिस प्रकार हम लोगों ने किलोमीटर वाला किया था ना उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, ठीक है। चलो 60 मिनट में एक घंटा, तो 1200 मिनट में कितना घंटा, कितना सरल प्रश्न है। आप इसको बिना ऐसे भी करें, आप लोग कैलकुलेशन करके कर सकते हो, ऐसे ही मुझवानी भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो 27 बच्चों में से 20 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, 27 बच्चों में से 26 बच्चों में से 20 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे करेंगे, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलो मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूं, देखो एक एक नियम लगाएंगे, एक घंटा में 60 मिनट या 60 मिनट में एक घंटा, तो 1200 मिनट में क्या होगा, 1200 बट्टा 60, यानी 1200 में किससे भाग देना है 60 से। अब आप सर बच्चे उत्तर कर पाएंगे जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक, चलो जल्दी करेंगे। 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 22 बच्चों ने कर दिया, 21 बच्चों ने कर दिया, 27 बच्चों में से 21 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड,
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले चार बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, 5 4 3 2 1, है ना। चलो ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो क्या है, 60 दूनी 120, है ना, 120 ये कट गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, हमारे पास जीरो है तो 60 0 0 60 0 0 कट गया। कितना मिला हमें, 20 घंटा। कितना मिला हमें, 20 घंटा। ये से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी था आपके पास, 1 0 से 1 0 और 6 से कटा दो, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, है ना। चलो तो कितना मिल गया, 20 घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करो और चैट बॉक्स में डबल आइटअप कर दो, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट करो और चैट बॉक्स में डबल आइटअप कर दो, है ना। चलो तो आज की क्लास का होमवर्क सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, ये है आपका आज की क्लास का होमवर्क, प्रश्नवाली 9.1 और प्रश्नवाली 9.2, ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। चलो ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।